विश्वकर्मा दिहाड़े उपर लुधियाना च रखे स्टेट लेवल दे प्रोग्राम ते पहुंचे कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू ने जीडीपी दी ग्रोथ डिगन अते व्यापार दी मंदी नू लैके केंद्र सरकार नू अपना निशाना बनाया। नाल ही उन्होंने हरियाणा च बीजेपी अते जेजीपी दे गठजोड़ ते वड्डा बयान भी दिता। उते ही बीजेपी लीडर कमल शर्मा दे देहांत ते उन्होंने दुख दा प्रगटावा भी किया। जी का विश्वकर्मा जी के जन्म दिवस से जोड़ा स्टेट लैवल फंक्शन इतने विश्वकर्मा भवन च हो रहा है, उत्थे सारे दे सारे लीडर साहबान इतने सारे शहर के पतवंते वे वे इंडस्ट्रलिस्ट ज इतने उन्होंने मत्था टेकन आए हैं। तो ट्रडिशनली इस जगह के उत्ते हमेशा के तौर पर विश्वकर्मा दिवस मनाया जाता है। तो उस तरीके पंजाब सरकार वालों अज मेरी भी ड्यूटी लगी है, पिछले साल भी आने का मौका मिलेगा। तो असी चाहते हाँ भी जो उन्होंने आशीर्वाद खास तौर पर लुधियाने के उत्ते है, लुधियाने की जी अज इंडस्ट्री है, अज सारा कारीगर है, इत्थे दा जिन्ना ढांचा है वह सारा इंडस्ट्री के उत्ते ही खड़ा है, चाहे साइकिल इंडस्ट्री है, चाहे हौजरी इंडस्ट्री है, तो चाहे टैक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो चाहे फॉरजिंग्स ने। तो ये बाबा जी का आशीर्वाद है, इस तरीके ही बनया रहे जी अज मंदा आ कि सेंटर गवर्नमेंट दी गलत पॉलिसियां करके छेती तो छेती बाबा जी कृपा करन हरेक इंडस्ट्रलिस्ट ते ते यही अगे सारा थल्ले ते ही जांदा है। सारे साडे कारीगर साडे जिहड़े काम करन वाले मजदूर उन्हां नूं भी उसे तरीके कारोबार मिले। तो उन्हां नूं जिवें कहीए लुधियाने की बनी हुई चीज़ सारी दुनिया के हरेक नुकरे प्रसिद्ध होवे ते यही उन्हां दे हत्थ शफा आए। नहीं नहीं वो है, वो तो सारी दुनिया नू पता है भी ये गलत नीतियाँ चाहे चाहे डिमोनेटाइजेशन होवे ते चाहे जीडीपी दी गलत इंप्लीमेंटेशन होवे उहदा असर अज हिंदुस्तान नू देखण नू मिल रहा है। और जीडीपी इन्नी बुरी तरह डिगी है जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हुणा ने उदों डिमोनेटाइजेशन ते पार्लियामेंट च बोलिया सीगा ते उहदा असर अज देखण नू मिलदा है। जीडीपी दी गल कर रहे हैं सर, इस वारी व्यापार भी काफ़ी मंदा रहा, लोगों के व्यापार जिहड़े सीगे जीरो हो गए, ठप्प हो गए, लोग इस वारी तराही तराही कर रहे हैं जी। ये सारा उसी पॉलिसियां दा असर है, उन्होंने मेसमराइज करके रखे हुए सी, पर अज जदों हकीकत सामने आ रही है जो अज तो 2-3 साल पहला साडे साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुणा ने कहा सीगा भी इन्हां दीआं पॉलिसियां दा असर देखण नूं मिलेगा, अज देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान दा सारा इंडस्ट्रलिस्ट तां थल्ले जांदे ही जांदे, नाल थल्लों रुजगार जा रहे हैं, लखां दी तादाद विच रुजगार साडे जिहड़े कामे ने कारीगर ने उह वेले हो रहे ने। कमल शर्मा जी ये एक बहुत वड्डा खला हो गया, बहुत अच्छे लीडर सीगे, उन्होंने बीजेपी नू जिस तरीके पार्टी नू इत्थे रहनुमाई योदी कीती उस तरीके उन्होंने दूसरियां पार्टियां च भी एक अच्छे संबंध बनाए हुए सीगे। ते ना केवल फिरोजपुर नू पंजाब भर दे विच एक अपनी बड़ी वड्डी छाप छड्डी हुई सीगी। ते मैं समझदा उन्होंने जाण नाल एक बहुत वड्डा खला आ उह पूरा नहीं होगा जी। लास्ट क्वेश्चन है जी, जिहड़ा कि जिद्दां हुण हरियाणा दे विच बीजेपी ते जेजेपी ने गठजोड़ कर लिया जी, लग रहा है कि जेजेपी की साजिश सी एक तरह की, ये ऑपरचुनिस्टिक एक अलायंस है, इहदा कोई बहुत वधिया रिजल्ट हरियाणे नूं देखण नूं मिलना नहीं है। ये जिहड़ा मैंडेट सीगा पब्लिक दा उहदे अगेंस्ट ये गठजोड़ हो रहा है। थैंक यू। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।